गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2 और इसके अंदर हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक डोर स्किन। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा गेम में। उससे पहले तुम लोग एक काम कर दो यार, चाहे वीडियो को तो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दे ताकि तुम लोगों को ऐसी वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी चलते हैं सीधा गेम में। डे 1। तो ये भाई हम लोग उठे एक बंद कमरे में जा, फिर हमें ग्रैनी ने कैद करके रखा हुआ है। चलो बस अब निकलते हैं इस घर से। सबसे पहले तो चलते हैं हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर। ऊपर चलते हैं भाई, ऊपर 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 एंड ऊपर ये वाले ड्रॉअर चेक करते हैं जो कि खाली है। अब वो वेपन की वाला रास्ता खोलते हुए चलेंगे। यहाँ से मैंने इसको भी गिरा दिया था कि ग्रैनी नीचे आ जाए। इसको मैंने खोला एंड अब ये वाली कबर्ड चेक करते हैं जिसमें है हेलीकॉप्टर मैनुअल। इसकी तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी देखते हैं, शायद मुझे लगता है ग्रैनी यहाँ पर आई। नहीं आई, क्यों नहीं आई? ये उठाते हैं, इसको यहाँ ड्रॉप करते हैं। अब तो ज़रूर आएगी, अगर अब नहीं आई तो फिर अच्छा नहीं होगा। बाकी ग्रैंडपा भी ऊपर आ गया। शिट यार, ग्रैंडपा तो नीचे गया था ना अभी। ये दोनों चले गए अंदर, ग्रैंडपा गया सिर्फ, शायद ग्रैनी नहीं गया। हाँ देखता हूँ, वहाँ से पता चल जाएगा गए तो कि ग्रैनी या ग्रैंडपा में से कौन गया है। आवाज़ सुन के ग्रैनी भी थी, ग्रैंडपा भी था। चलो दौड़ते हुए ऊपर चलते हैं भाई, ये मसला हो गया। शिट 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 शिट, ग्रैनी वहाँ से आ रही थी, ग्रैंडपा यहाँ से। यार बच गया, शुक्र अभी तो बच गया हूँ। अब इसको जाने देता हूँ पागल बुड्ढे को। ये चला गया मेरे को लग रहा है शायद, पर ग्रैनी आ गई। यार यार ये जो हो जाता है ना मसला, ग्लिच वाला, ये दोनों ही परियाई खड़े हो जाते हैं और फिर जाते नहीं है, बहुत बुरा लगता है मेरे को। अभी शायद देखता हूँ, शायद चला गया, शायद ग्रैनी नज़र तो नहीं आ रही। मैं सोच रहा हूँ बाहर निकल जाता हूँ, आवाज़ वगैरह फुल कर लेते हैं भाई। आवाज़ तो आ रही है ग्रैनी की पर नज़र नहीं आ रही है, बाहर खड़ी हुई। हाँ नहीं है। चलो भाई अब चलते हैं भाई सीधा, अब दौड़ते हुए ऊपर। पहले तो इसको उठाते हैं दफ़ा, इसको जो है ना, नहीं, इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ग्रैनी बहुत आराम से जा रही है नीचे, उसको मैं बिना अपने आप को दिखाए जो है ना जाने देता हूँ। एंड मैं जाता हूँ आराम से ऊपर, क्योंकि ऊपर ग्रैंडपा है एंड ग्रैंडपा से मतलब बचना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो मुझे लगता है अभी तक या तो सिक्योरिटी रूम के अंदर रहेगा या कहीं और रहेगा। बस सही है, सिक्योरिटी रूम में मुझे लगता है। अब मैं काम करता हूँ यहाँ के कबर्ड डायरेक्ट, वहाँ पे ड्रॉअर चेक करते हैं पहले। तो इस ड्रॉअर में क्या है? अबे कुछ भी नहीं है यार। ओह वेपन की, बढ़िया। इसको यहीं ड्रॉप करते हैं पेडिस्टल को, मतलब अब जो है ना नीचे चलते हैं। वाज को मैंने ऊपर ही ड्रॉप कर दिया एंड अब जो है ना हम लोग यहाँ से खोलते हैं इस वाली मतलब कवर को एंड अब खड़े होते हैं एंड शॉटगन में भरते हैं एमओ एंड अब बुलाते हैं ग्रैनी और ग्रैंडपा को एंड उनको बजाते हैं गोलियाँ। आने दो तरह इनको। चलो वेट करते हैं हम ग्रैनी या ग्रैंडपा में से कोई आए तो। ये आई तो है पर ये इस टेढ़े एंगल में खड़ी है कि मैं इसको मारूंगा ना तो 7 मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बुलेट ज़ाया हो जाएगी। इससे बेहतर जो है ना मैं इसको जाने देता हूँ एंड वापस से बुलाता हूँ ताकि ये सेंटर में है बिल्कुल। चलो अब ये बिल्कुल परफेक्ट आई है, अब बुलाते हैं इसको। एक गई। चलो अब खड़े होते हैं भाई, मुझे लगता है अभी तक तो ग्रैंडपा नहीं आया है तो अब मैं आराम से जो है ना उसको मतलब वेट कर लेता हूँ। शुक्र 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 बच गया। चलो इससे सिक्योरिटी की लेते हैं, गन मैंने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया भाई। अभी मेरे को स्पीड रन करना होगा, जो जो आइटम मिलते जाते हैं ना उनको जो है ना ले लेके जाना पड़ेगा। इसी तरह स्पीड से जो है ना हम लोग स्केप कर सकते हैं। बोर्ड की यार छोड़ो इसको यहीं पर ही, यहाँ से यार डब्बा गिराते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। अभी हमारे को डोर हैंडल पक भाई, एक चीज़ अच्छी मिल गई, एक आइटम मिल चुका है स्केप के लिए। बस अब दौड़ते हुए करना है भाई, बगैर रुके सारे आइटम कलेक्ट कर करके नीचे ड्रॉप करने हैं। चलो एक चीज़ मिल गई भाई, इसको नीचे फेंकते हैं
एंड अब जो है ना जो चाहिए हमारे को वो है, पहले ये वाली ड्रॉअर चेक करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है यहाँ पे। ग्लास फ्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर यहाँ पे सारी कबर्ड वगैरह चेक कर लेते हैं। खाली यहाँ चनगन पड़ी हुई है, ये याद रखना है। बाकी यहाँ पे तो दो ही कबर्ड्स, मतलब यूजली सामान रखा हुआ होता है, बाकी सारी खाली होती हैं। एंड हाँ, ये वाले इसमें क्रोबार है। चलो क्रोबार से पहले ऊपर वाला डब्बा खोलते हैं, फिर नीचे चलेंगे डायरेक्ट, एंड नीचे वाला डब्बा खोल के चेक करेंगे। गैसोलीन कैन, यार गैसोलीन कैन की तो ज़रूरत नहीं थी। चलो अब चल के दूसरा डब्बा खोलते हैं, एंड वहीं से अपनी शॉर्ट गन उठाते हुए आ जाएंगे। चलो नीचे चलते हैं भाई, नीचे 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 नीचे। नीचे तो आ गए हम लोग, अब जो है ना नीचे वाला डब्बा खोलते हैं, एंड इसमें देखते हैं क्या है भाई। कटिंग प्लायर्स, बढ़िया। चलो अब कटिंग प्लायर्स को लेके जो है ना सिक्योरिटी रूम में डालते हैं, एंड फिर इस शॉर्ट गन लेकर अपनी जो है ना ऊपर चलते हैं। मुझे जल्दी करना है क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा आने में, मतलब आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, वो थोड़ी देर में रिस्पॉन हो जाएंगे वापस से। तो चलो अब चलते हैं डायरेक्ट नीचे। चलो भाई यहाँ से उठाते हैं अपनी गन, इसमें भरते हैं बुलेट, ताकि हम लोग जो है ना ऊपर वो जो रूम खोलना होता है उसको खोल सकें। अभी तक मेरे को दो आइटम मिल चुके हैं, नहीं एक आइटम मिला है, डोर हैंडल। उसके अलावा कोई स्केप के लिए मिला है आइटम? हाँ कटिंग प्लायर भी तो मिले हैं, उनसे वो इलेक्ट्रिसिटी काटनी होती है, और हैंड व्हील यहाँ पे मिल गया तीसरी। चलो अभी इलेक्ट्रिसिटी काटने तो जाने से तय, क्योंकि मुझे लग रहा है ग्रैनी ग्रैंडपा रिस्पॉन हो चुके हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ऊपर वाला काम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है ना जब मैं नीचे जा रहा हूँ वापस, तो फिर मैं उनको मारते हुए निकल जाऊँगा। चलो यहाँ पे बुलेट शूट करते हैं। चलो बढ़िया, यहाँ की ड्रॉर्स वगैरह चेक कर लेते हैं जो कि खाली हैं हमेशा की तरह। चलो कटिंग प्लायर्स उठाते हैं, एंड कटिंग प्लायर्स को खोल के चेक करते हैं, से खोल के चेक करते हैं डब्बे को कि उसके अंदर क्या है। चलो खुल जाए सिम सेफ की, सही है, सेफ की को लेके चलते हैं नीचे। पहले तो मुझे ये गिराना पड़ेगा, अबे शिट, इसी के साथ ही गिर गया। ग्रैनी आने वाली होगी, ग्रैनी आने वाली होगी, वापस ऊपर जाना पड़ेगा। आ गई क्या? इसी के मुंह के ऊपर गिरा दूँ ताकि मतलब चल ही ना जाए। एंड नाउ हम लोग उठाते हैं अपनी शॉर्ट गन, एंड इसको शूट करते हैं। एंड अब वहाँ से बुलेट लेते हैं दूसरी, एंड इसको लेके चलते हैं नीचे। चलो आराम से नीचे जम करेंगे, एक मिनट बिल्कुल आराम से। एंड यहाँ पे ग्रैंड पा मुझे पता है बिल्कुल भी नहीं है, तो बस अब उसका वेट करते हैं यहाँ पर आने तक, उसको शूट करने के बाद। अभी ये तो ये रहा, उसको शूट करने के बाद सेफ की को लेके चलते हैं नीचे। सेफ में चेक करते हैं क्या है, फिर हैंड व्हील और कटिंग प्लायर का काम करते हैं। मुझे लग रहा है शायद स्केप हो जाएगा, पहले सेफ को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ कह सकते हैं। पेडलॉक की, सही है, पेडलॉक की भी मिल गई, तो पेडलॉक खोलते हैं यहाँ से, एंड पेडलॉक की यहीं ड्रॉप कर देते हैं। अब जाते हैं जल्दी से, और वो हैंड व्हील एंड कटिंग प्लायर दोनों को नीचे ड्रॉप करते हैं। कटिंग प्लायर से इसको कट करूँगा, एंड हैंड व्हील से जो है ना फिर वो नीचे वाला काम करके आते हैं जल्दी से। स्पीड स्पीड स्पीड, कटिंग प्लायर्स किधर हैं? वो तो उस रूम में पड़े हैं। चलो पहले हैंड व्हील गिरा देते हैं, ये क्या हैंड व्हील। अब चलते हैं दूसरे रूम में, एंड यहाँ से लेकर आते हैं कटिंग प्लायर्स। ये कटिंग प्लायर्स मिल गए भाई, एंड नाउ इसको भी ड्रॉप करके आ जाते हैं। चलो इसको साथ ही लेके चलते हैं, एंड नाउ इससे काम करते हैं भाई। पहले तो कट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कट ड्रॉप। चलो अब जो है ना हैंड व्हील उठाते हैं, एंड हैंड व्हील को लगाते हैं नीचे, एंड वहाँ से लेकर आते हैं क्रोबार जिसकी ज़रूरत ऊपर है, ताकि हम प्लैंक्स हटा सकें। चलो भाई अब जल्दी से उठाते हैं भाई, ये रहा, इसको घुमाते हैं भाई, घूम जा। चलो भाई यहाँ से उठाते हैं क्रोबार, क्रोबार से प्लैंक हटाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और निकलते हैं ग्रैनी के घर से भाई। जल्दी 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 करना पड़ेगा यार। चलो एक, ये दो, बढ़िया।
एंड नाउ अपना डोर हैंडल उठाना है हमारे को जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, एंड डोर हैंडल को लगाते हैं दरवाजे पर जल्दी से जाके यार, जल्दी 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 क्रैनी ने आ जाए। बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ग्रैनी ग्रैंडपा के घर से फाइनली कर लिया है डोर एस्केप। भाई ये देखो ये खड़े हुए दोनों, इतनी प्यार से निकले हो ना स्पीड रन करते हुए। भाई फाइनली ग्रैनी घर से कर लिया मैंने डोर एस्केप, गेम हो चुका है एंड वीडियो भी हो चुकी है। तो तुम लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी जाके वीडियो को जो लाइक करना तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि तुम लोगों को ऐसी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मैं भी हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।